हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की बात कर रहा हूं मैं। सपोज कीजिए इस सिलेक्टेड पार्ट पर आपको अंडरलाइन लगाना है तो कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहां पर आपको बोल्ड मिल जाता है, इटैलिक और अंडरलाइन मिल जाता है, तो यहां यू पे क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हट भी जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सेलेक्ट कर लीजिए इसे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है यू पर, तो यू पर क्लिक करते ही ये अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर आप इसे हटाना चाहें तो यहां से फिर क्लिक कर दें तो ये हट भी जाएगा, ठीक है। और एक शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं आप, लाइक यहां पर कंट्रोल यू कर सकते हैं तो यहां पे ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूं तो ये हट भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें डबल अंडरलाइन करना है। तो डबल अंडरलाइन कैसे करेंगे, तो डबल अंडरलाइन करने के लिए एक शॉर्टकट की बता रहा हूं, उसका आप प्रयोग कीजिए और फिर वहां पर आपको डबल अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं वो शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, जैसे ही कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहां पर आपके पास फॉन्ट की ये मेन्यू ओपन हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, एक तो फॉन्ट दिखाई पड़ रहा है, दूसरा एडवांस दिखाई पड़ रहा है। आपको फॉन्ट पे ही रहना है और क्या करना है, यहां से ये अंडरलाइन स्टाइल पे चले जाना है, ठीक है। आपको कौन सा वाला अंडरलाइन स्टाइल चाहिए आप देख लीजिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, इस स्टाइल का चाहिए, इस स्टाइल का चाहिए, कैसा चाहिए वो देख लीजिए, इसमें बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं पहले से, ठीक है। तो जैसा भी चाहिए आप ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं ये स्टाइल लगाना तो ये स्टाइल भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ चुका है, आप देख लीजिए इसे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये स्टाइल नहीं रखना तो यहां से वापिस से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और आप सिंपल डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो यहां आपको ऊपर मिल जाता है सिंपल डबल अंडरलाइन, तो ये सिंपल डबल अंडरलाइन लगा लीजिए। आपको जहां भी इसे अप्लाई करना है वहां पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको सिंपल लगाना होता तो आप कंट्रोल यू प्रेस कर देते, ठीक है। और आपको अगर डबल लगाना है, अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 यूज कर रहा हूं, तो यहां पे कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए और यहां पर आपको अंडरलाइन स्टाइल दिख जाएगी और यहीं से आप अंडरलाइन लगा लेंगे। तो आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये डबल अंडरलाइन कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।